जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। इस कॉन्स्पिरसी का पता लगते ही जो है हमारी टीम्स ने इन नौजवानों को आइडेंटिफाई किया और उनके पेरेंट्स के जरिए, क्योंकि ये जो नौजवान है इनमें कुछ जो है जुवेनाइल्स है, कम उम्र के हैं, इनके पेरेंट्स के जरिए इनको हमने काउंसलिंग की। इनका पूरा जो भी मोडस ऑपरेंडी है पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स का, उसका पता लगाया कि किस तरीके से ये जो है नौजवानों को बहका रहे हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इनको अपने टेरर ग्रुप्स में शामिल कर रहे हैं। और सस्टेंड काउंसलिंग के बाद इन बच्चों को जो है हमने उनके पेरेंट्स के हवाले किया है। उनके पेरेंट्स को भी हमने ये गाइडेंस की है, काउंसिल किया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पे थोड़ा सा आपको नजर रखने की जरूरत है, वो किस तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट में है सोशल मीडिया पे, उन पे नजर रखने की जरूरत है, ताकि हमारे नौजवान बच्चे जो है इनके हत्थे ना चढ़े और इनकी साजिश का हिस्सा ना बने। जुवेनाइल्स थे और हमने सोचा कि इनको हम एक मौका दे सकते हैं, एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं इनके लाइफ के लिए, इसलिए हमने इनको अपने पेरेंट्स के हवाले किया हुआ है। इनकी आइडेंटिटी हम प्रोटेक्टेड रख रहे हैं फॉर सेंस ऑफ देयर सिक्योरिटी ऑल्सो। तो मैं आप सबके माध्यम से जो है तमाम पेरेंट्स को यही सूचना देना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने यंग जो आपके बच्चे हैं उन पर, खास तौर पे टीनेज जो बच्चे हैं उन पर ध्यान रखिए, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को फॉलो कीजिए और उनके साथ आप हमेशा बात करते रहिए। और ऐसा कहीं भी आपको अगर नजर आता है कि आपके जो बच्चे हैं वो किसी भी अनटूवर्ड या अननेसेसरी प्लीज आप खुद अपने लेवल पे उनसे बात कीजिए, और जब भी हो सके हमारी जरूरत पड़े हमें आप दावत दें, हम आके उनसे बात करेंगे। और हमारी कोशिश है कि कोई भी नौजवान कश्मीर का जो है वो टेररिस्ट की साजिश में शामिल ना हो, उनके कॉन्स्पिरसी का हिस्सा ना बने। हम चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल बहुत आबाद हो और एक ब्राइट फ्यूचर और एक ब्राइट करियर उनको मिले, तो इसमें हम आपके कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। तंजीम जो है इनके हैंडलर्स जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके साथ ये सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जुड़े हुए थे।